पंजाब सरकार ने तनखाह कमीशन नू लागू करन दी जड़ी सिफारिश है उसनू मंजूर कर लिता है, उसनू प्रवानगी दे दी है। पर इसे विचाले एक होर वड्डी खबर जड़ी अज निकल के सामने आई उस तो भी तुहानू रूबरू करवा दिंदे आ। तुहानू दस दईए पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार दे विच मुख्यमंत्री ने जड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह, पहला तो उन्होंने वादा किया कि घर घर नौकरी दी जाएगी, पर हुण जद कुछ कु समा रह गया तां अज एक होर वड्डा फैसला लै लिया गया विधायकों के, करोड़पति विधायकों के पुत्रां नूं नौकरी देने का फैसला लै लिया गया। दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं, एक पासे मुलाजम पक्कियां नौकरियां की मांग नूं लैके सड़कां ते उतरन नूं मजबूर हो रहे हैं, दूजे पासे करोड़पति विधायक ने उन्हां दे पुत्रां नूं नौकरियां देने का फैसला लिया गया। और वह भी तुहानूं तफसील नाल दसांगे कि किस ढंग दे नाल नियमां नूं छिके टंग के एक एक्सैप्शनल ढंग दे नाल बड़े ही वक्रे ढंग दे नाल नवें नियम बना के विधायकों के पुत्रां नूं, दो विधायकों के पुत्रां नूं नौकरियां दित्तियां गईयां ने पंजाब सरकार वालों, बकायदा कैबिनेट वालों मंजूरी दी गई। और नाल ही यह भी कह दिता गया है कि यह जिहड़ी अज नौकरियां दित्तियां जा रही ने उन्हां नूं दोवें विधायकों के बेटियां नूं उन्हां दे दादियां की कुरबानी करके उन्हां नूं यह नौकरियां दित्तियां जा रही ने, ते नाल दे नाल यह भी कह दिता है कि यह कोई कन्वेंशन नहीं होगी, यानी कि कोई होर शख्स पंजाब दे विच उठ के नहीं कह सकता कि विधायकों के पुत्रां नूं नौकरी दित्ती सी उन्हां दे दादियां की कुरबानी के आधार ते सानूं भी नौकरी दिओ, कोई होर शख्स यह गल नहीं कह सकेगा। यह भी कह दिता गया कि यह एक एक्सैप्शन है, इसनों इतने ही अज नौकरियां दित्तियां गई हैं, होर कोई पंजाब का शख्स इस आधार के उपर नौकरी नहीं मंग सकेगा। दूजे पासे तुसी वेख सकते हो तस्वीर तुहानूं भुलिया नहीं होनिया, अध्यापकों ने जड़े बेरोजगार ने जां फिर जड़े पक्के होने की मंग कर रहे हैं, अध्यापक धरने दे रहे हैं लगातार। कुछ अध्यापकों ने छत तो छलांग लगाने की कोशिश की थी, कुछ अध्यापकों ने सलफास निकल के खुदकुशी करने की कोशिश की, उन्होंने नौकरियां नहीं दित्तियां जा रही, क्योंकि पंजाब सरकार हुण अपने पूरे शवाब ते है, उन्होंने लग गया पता कि ठीक है यह जे धरने मुजाहरे चल रहे हैं तो शायद इसका कोई वड्डा असर पंजाब सरकार ते हुंदा विखाई नहीं दिंदा, पर हाँ शायद अपनी कुर्सी बचाने के खातर, यह भी कयास रही ने कि अपनी कुर्सी बचाने के खातर पंजाब सरकार वालों यह वड्डा फैसला लै लिया गया कि करोड़पति विधायकों के पुत्रां नूं तरजीह दी गई है नौकरी देने लई, प्रायोरिटी के आधार के उपर नियमों नूं छिके टंग के नौकरी दे दी गई है। तो हुण तुहानूं तफसील च दसदे हां कि पूरा मामला की है, कैबिनेट वालों अज विधायकों के पुत्रां नूं सरकारी नौकरियां देण दे फैसले ते मोहर लगा दी गई है। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कादियां तो विधायक फतेह जंग बाजवा के पुत्र नूं पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर भर्ती कर लिया गया, इंस्पैक्टर की नौकरी मिलेगी फतेह जंग बाजवा के पुत्र नूं। उधर लुधियाना उत्तरी तो विधायक राकेश पांडे के पुत्र नूं नायब तहसीलदार नियुक्त किए जाने हरी झंडी दे दी गई है तरस के आधार पर। जी हाँ, इत्थे वेखण योग गल है कि तरस के आधार के उपर नौकरियां दित्तियां गईयां ने, करोड़पति विधायकों के पुत्रां नूं तरस के आधार पर पंजाब सरकार नौकरियां वंड रही है, घर घर नौकरी देण दा वादा करन वाली सरकार ते विरोधियों ने भी सख्त हमले बोले। श्रोमणी अकाली दल ने कैबिनेट के इस फैसले पर विरोध जताया, तिखे सवाल पूछे ने, और सवाल पूछने शायद लाजमी भी हो जाते हैं क्योंकि एक पासे का घर घर नौकरी का वादा पंजाब सरकार वालों किया गया वो तो हाले तक पूरा नहीं होया, पर हाँ करोड़पति विधायकों के पुत्रां तरस के आधार पर नौकरी दे दी गई है। बकायदा पंजाब कैबिनेट ने इस फैसले के उपर मोहर भी लगा दी है। पंजाब सरकार ने पंजाब के बेरोजगारों नाल घर घर नौकरी देने का वादा तो पूरा नहीं किया, पर एक गल का मैं अफसोस है कि अपनी कुर्सी बचाने वास्ते अज दो MLA साहबान नूं कैबिनेट ने सारे नियमों नूं छिके टंग के एक MLA के बेटे नूं इंस्पैक्टर दी और एक MLA के बेटे नूं नायब तहसीलदार की नौकरी दी, और दोनों का आधार 1987 के विच होईयां घटनावां नूं बनाया गया। उस वेले शायद बच्चे पैदा भी नहीं सी होवे दोने बच्चे, और विच ऑर्डर दे लिखा गया है कि ये वन टाइम जिहड़ी है फैसला किया गया, सारे रूल्स रिलैक्स किए गए, और यह भी लिखा गया कि अगर तो यह प्रेसीडेंट नहीं बनेगी क्योंकि ये नियुक्तियां नियमों के विच आउंदियां ही नहीं। यह मैं समझदा पंजाब की बेरोजगार जनता के नाल बहुत वड्डा कुझा मजाक है कि अपने बच्चों नूं तुसीं इंस्पैक्टर दियां ते तहसीलदार दियां नौकरियां दे रहे हो, तो जिहड़े बेरोजगार नौजवान ने घर घर धक्के खा।